कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों को ब्लैक फंगस तेजी से चपेट में ले रहा है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 3 दिन पहले शुरू हुए 20 बिस्तर का म्यूकर वार्ड 3 दिन में ही फुल हो गया। यहाँ नॉन म्यूकर वार्ड में ही 5 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती किए गए हैं। अब बसों के परिवहन पर प्रतिबंध 23 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह रोक 15 मई तक के लिए लगाई गई थी। ज्ञात हो कि इस प्रतिबंध के तहत मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच बस परिवहन बंद किया गया है। मध्य प्रदेश में ताऊ ते तूफान का असर अब नजर आने लगा है। प्रदेश के 4 संभागों सहित 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें इंदौर भोपाल संभाग भी शामिल है। इस साइक्लोन का असर 19 मई तक रहेगा। ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को देखते हुए स्टेप डाउन कोविड सेंटर यानी पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किए गए हैं। प्रदेश का पहला सेंटर भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में बनाया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जौलपुर, ग्वालियर, रीवा मेडिकल कॉलेज में बनेंगे विशेष वार्ड। कोरोना की दूसरी लहर में भोपाल के 66 खिलाड़ी इस संक्रमण का शिकार हुए, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी और संतुलित आहार के चलते किसी को भी ऑक्सीजन की नहीं पड़ी जरूरत। 7 से 15 दिनों में इन खिलाड़ियों ने कोरोना हराया और स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। कोरोना संकट की इस घड़ी में सभी दतियावासी एकजुट होकर गरीब और जरूरतमंदों के साथ खड़े हुए हैं। उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वृंदावन धाम में अन्नदान सेवा समिति के कार्यक्रम में लगभग 500 गरीबों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की गई। अब जिले में 31 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर मंडल ने जारी किया आदेश। आज जारी हुए आदेश में यह बताया गया कि जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत समस्त नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 17 मई की सुबह तक जारी कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 31 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनपुर द्वारा मानव सेवा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। यह सुविधा जरूरतमंदों को नैनपुर एवं नैनपुर के आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध रहेगी। निरंतर जारी रहेगा जरूरतमंदों को रक्त देने का अभियान, कहा भाजपा नगर अध्यक्ष अनुराग बिट्टू चौरसिया ने। नगर भाजपा का यह सेवा प्रकल्प लगातार जारी रहेगा। इस पुनीत कार्य में सदस्यगण सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी के प्रयासों से अंजनिया स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ज्ञात होगी अंजनिया भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने इस बात की मंशा भाजपा जिला अध्यक्ष से जाहिर की थी।